नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनोज। आज का जो टॉपिक लिया है वो है फ्रेजेज। क्या होते हैं फ्रेजेज, कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये यूज होते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करना होता है, वो सारा कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्रेजेज, व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स आर गिवन द मीनिंग ऑफ होल। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और किसी सेंटेंस में वो यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन वो वर्ड्स जो होते हैं ना, उनमें आपको याद रखना है कि ये वर्ड जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, एक वर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रेज वही होता, फ्रेज का मीनिंग है कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड का मिलना, पहली बात तो हुई ये। दूसरी बात, ये वर्ड जो होते हैं ना, ये इनका अकेले का कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब जब तक ये किसी दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे वर्डों के साथ मिलके कन्वे मिल ना जाए, तब तक इनका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो टू गेट द जॉब इज एम्बिशन। ठीक है, अब यहाँ पे टू गेट द जॉब ये एक फ्रेज है। ठीक है, अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए इज एम्बिशन से तो इसका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता है। उसी तरीके से वी चेक्ड आउट एट 5 AM। ठीक है, चेक्ड आउट यहाँ पे फ्रेज है। ठीक है, अब इसको अगर वी और एट 5 से अलग कर दिया जाए तो इसका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि ये जो है इसका अकेले का मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो समझते हैं एग्जांपल से। टू गेट द जॉब इज एम्बिशन। ओके, अब इसमें टू गेट द जॉब इज सॉरी टू गेट द जॉब ये क्या है कि फ्रेज है, और ये कैसी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब हमने कैसे पहचाना भाई ये नाउन फ्रेज है, देखो जब हम वर्ब से, ठीक है, वर्ब से और आने वाले पहले जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, जॉब होगा या टू गेट होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पूरा का पूरा ना एक फ्रेज है जो कि क्या कर काम कर रहा है, नाउन का। ओके, इस वर्ब का नाउन कौन है, टू गेट द जॉब। ओके, अब अगर ये नाउन है तो यहां पर ये नाउन फ्रेज है, यानी दो या दो से ज्यादा शब्दों ने मिलकर एक नाउन का काम कर दिया, इसलिए ये कैसी फ्रेज हो गई, नाउन फ्रेज हो गई। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड है वी चेक्ड आउट एट 5 AM। यहां से हमारी जो वर्ब है चेक्ड आउट, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, या वर्ब फ्रेज बोल सकते हो, फ्रेजल वर्ब। ओके, ये जो वर्ब है दो शब्दों ने मिलके एक दूसरे वर्ब का काम कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना यहां पे चेक्ड आउट, चेक अगर जो वर्ब होती ना उसका अकेले का मीनिंग अलग होता है, चेक्ड आउट का मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे एक वर्ड होता है लुक, अब लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, लेकिन लुक आफ्टर इसके साथ है कि वर्ब सॉरी प्रीपोजिशन लग जाए तो ये क्या होता है, लुक आफ्टर जो है ये आपका, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो इस तरीके से इनका मीनिंग अलग हो जाता है। तो चेक्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक, नेक्स्ट, वी वर ऑल वेरी टायर्ड एंड हंगरी। ठीक है, तो यहां से ऑल वेरी टायर्ड एंड हंगरी ये क्या हो गया आपका, फ्रेज हो गया। ठीक है, अब भाई फ्रेज कौन सा फ्रेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वी वर ऑल वेरी टायर्ड, देखिए वर जो है वो इज एम आर वाज वर बी की फॉर्म जब मैन वर बनती है ना तो इसके बाद में आने वाले कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनते हैं, नाउन बनता है,
प्रोनाउन बनता है और एडजेक्टिव बनता है। ओके, तो यहाँ पे वी वर ऑल वेरी टायर्ड, इसने कॉम्प्लीमेंट का काम किया और कौन सा एडजेक्टिवल। एडजेक्टिव और फ्रेंच हो गया। ओके, यू लुक आफ्टर द फैमिली वेरी वेल, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, ये वर्बल फ्रेज है, ठीक है। और एक फ्रेज यहां पे वेरी वेल, हाँ जी, ये फ्रेज भी है, ठीक है, वेरी वेल। ये फ्रेज कौन सा है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। इसने एडवर्ब का काम किया है इसलिए एडवर्बियल फ्रेज है, और इसने वर्ब का काम किया है दो वर्डों में इसलिए ये वर्बल फ्रेज है। इसने इन सारे वर्डों ने मिलकर एक एडजेक्टिव का काम किया इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। इन दोनों वर्डों ने एक वर्ब का काम किया है एक वर्ब का इसलिए फ्रेजल वर्ब हो गया, और इन चारों वर्ब ने एक नाउन का काम किया इसलिए नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, माय ब्रदर फेल ऑन टू द ग्राउंड। अब यहां पे जो ऑन टू है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज देखो, हमारी प्रीपोजिशन होती है ऑन और एक होती है टू, इन दोनों को हमने मिला दिया ऑन टू, जिसका मीनिंग अलग होता है, इसलिए ये क्या हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है दे हायर्ड ए ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस, दे हायर्ड व्हाट ए ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। तो इसने भी क्या काम किया भाई, नाउन का, उन्होंने क्या हायर किया, ए ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक नाउन फ्रेज, ठीक है। लेकिन ये नाउन फ्रेज इसने ऑब्जेक्ट का काम किया है, और ये जो नाउन फ्रेज था इसने सब्जेक्ट का काम किया है, ये फर्क है इन दोनों में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया ना तो इनके डिटेल में हम इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे कितने टाइप है इसके, देखो ये रहे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशन। इन सबके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये नाउन फ्रेज का हो गया, ठीक है। नाउन फ्रेज के दो एग्जाम्पल थे हमारे पास, एक ये था जिसने एक ने सब्जेक्ट का एक ने ऑब्जेक्ट का काम किया है। इसके अलावा वर्ब फ्रेज के दो एग्जाम्पल है, एक चेक्ड आउट एक लुक्ड आफ्टर। इसके बाद में हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज का भी एग्जाम्पल है और एडवर्बियल फ्रेज का भी एग्जाम्पल है। तो ये जो टाइप है ना, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ और समझे फ्रेज को कि एक्चुअली में फ्रेज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेज और क्लोज सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो इनके साथ साथ ही पढ़ाया जाता है। हमने इनका ओवरव्यू जरूर देखा था, कंप्लीटली इनको नहीं पढ़ा है, इसलिए हमने दोबारा इस टॉपिक को उठाया। बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि सर फ्रेज जो है ना और क्लोज वो एक बार दोबारा क्लियर करवाएं, तो हमने इसे डिटेल में पढ़ाने का निर्णय लिया है, इसलिए इसके एक क्लास ये एक अगली वाली दोनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अगर नहीं भी हो पा रहा है तो तीसरी क्लास हो जाएगी, लेकिन इसे कंप्लीट करेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक। तो बने रहे हमारे साथ, टिल देन नमस्कार।